सुखाड़ के बारे में सरकार किसानों के लिए क्या कर रही है? देखिए, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से इस राज्य की जनता को मैं बताना चाहता हूँ, वर्तमान हमारी एनडीए की सरकार, जिसके मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी और मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी हैं, अभी जो सुखाड़ की स्थिति है उस सुखाड़ की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने किसानों के लिए बहुत सारे योजना की घोषणा की है। सबसे पहले मैं बता दूं, मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस बिहार में आपदा के समय जो भी मुझे कुछ करना पड़ेगा उसमें सबसे पहला हक बाढ़ पीड़ितों के लिए जाता है। और अभी अभी बाढ़ की ऐसी कोई समस्या नहीं है, अभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि पूरे जुलाई में वर्षा हो। यदि वर्षा नहीं होगी तो सरकार ने माना है जो मैं सुखाड़ घोषित करूंगा जी। अभी तत्काल ऑनलाइन किसानों को सब डीजल अनुदान देने के लिए घोषणा किया है, 1100 किसानों को मिला भी है और अभी सैकड़ों किसान निबंधित हुए हैं। साथ ही हम सभी जितने भी सरकार के अंग हैं, सभी लोग सजग हैं, अपने अपने क्षेत्र में पूरे बिहार में जागा करके किसानों के हित के लिए जो भी काम होगा, यदि सुखाड़ की स्थिति होती है तो कैसे उसे पानी मिलेगा, क्या करना पड़ेगा, सारे उपाय सरकार ने किया है। कल कैबिनेट की बैठक में इसका निर्णय भी हुआ, आज सदन में हम लोगों ने इस पर बहस करके अपने विपक्ष को बता दिया है जो मुझे क्या करना है किसानों के लिए। तो निश्चित रूप से समय पर अभी हम लोगों ने बीज भी दिया है, उत्तम किस्म का बीज भी दिया है किसानों को जी। और चारा के लिए हो, मवेशी के भोजन के लिए हो, सारे व्यवस्था कर लिए गए हैं और इस व्यवस्था के तहत सभी किसानों को इसका लाभ मिलेगा और सरकार पूर्णतया तत्पर है, यही मुख्य रूप से मुझे कहना है। मैं रामप्रीत पासवान, विधायक, राजनगर, मधुबनी।